इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने पहली पारी में 553 रन लगाए। इस दौरान टीम के बल्लेबाज डैरल मिचेल ने 190 रनों की शानदार पारी खेली। उनका साथ निभाया टॉम ब्लंडन ने, जिन्होंने 106 रनों का योगदान दिया। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए मैच में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है, लेकिन पहली पारी के दौरान इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिखाई दिए। इंग्लिश गेंदबाज खेल के दोनों दिन कीवी बल्लेबाजों का विकेट लेने में संघर्ष करते दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन एक बड़े रिकॉर्ड से चूक गए। आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन ने 27 ओवर में 62 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए, लेकिन पहली पारी के दौरान इंग्लिश गेंदबाज एक विकेट लेने से चूक गए और इसी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर सके। आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन अगर इस पारी में एक विकेट अपने नाम कर लेते तो वो अपने टेस्ट करियर के 650 विकेट पूरे कर लेते। टेस्ट में 650 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन टेस्ट इतिहास के तीसरे गेंदबाज बन जाते, लेकिन पहली पारी में एक विकेट ना निकालने के साथ ही वो इस रिकॉर्ड से चूक गए हैं। लेकिन उनके पास अभी भी मौका है टेस्ट करियर में 650 विकेट लेने का। आपको बता दें कि दूसरी पारी में अगर जेम्स एंडरसन एक विकेट ले लेते हैं तो वो टेस्ट इतिहास में 650 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे। उनसे पहले श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज शेन वॉन ही ये कारनामा कर पाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।